This news is brought to you by Orange and Chili Biryani Ulve. Happy Raksha Bandhan. उल्वे में अक्सर ऐसा देखा गया है कि वीकेंड्स पे जब भी सप्ताह का अंत होने आता है तो कई एटीएम्स में पैसे जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो किसी जिस एटीएम में पैसे होते हैं लोगों को लाइन लगानी पड़ती है। तो ये इस तरह की असुविधा ना हो इसलिए बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा ध्यान देना चाहिए उल्वे नोट की तरफ, और ये देखना चाहिए कि बैंकों के एटीएम्स में पर्याप्त तरीके से पैसा रखें ताकि जनता को जो है वो असुविधा का सामना ना करना पड़े। आपको लगता है कि बैंक स्पेशली उल्वे नोड में जो वीकेंड्स आते हैं तो उस वक्त काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अब जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार आ गया तो आप लोग को लाइन लगानी पड़ेगी, जबकि इतने एटीएम्स हैं। मगर सुबह भी मैं आया था एटीएम के लिए, बट ये सब एटीएम में कैश था ही नहीं, और आईसीआईसीआई बैंक में ही था सिर्फ, आप और किसी एटीएम में नहीं था। अभी भी आईसीआईसीआई बैंक में लाइन लगी हुई है। ये तो एक्सिस बैंक है, ये एक्सिस बैंक है, और एसबीआई में तो कभी रहता ही नहीं है। एसबीआई में कभी भी नहीं रहता है, मैक्सिमम टाइम वहाँ पे कोई मतलब जाता ही नहीं है क्योंकि कैश अवेलेबल नहीं रहता। तो ये एक दुविधा है जो मेरी रिक्वेस्ट है नवी मुंबई उल्वे न्यूज़ चैनल की तरफ से कि बैंकिंग सेक्टर इस तरफ ध्यान दे। देखिए लाइन और लगते जा रही है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर को, फिर से मैं कह रहा हूँ, बैंकिंग सेक्टर को ध्यान रखना चाहिए। देखिए लाइन बढ़ रही है, एटीएम्स में लाइन बढ़ रही है, पैसे नहीं होते हैं, अभी नहीं है, मशीन भी कोई ख़राब है, ऐसा चालू है, और इधर बच्चा को लेकर खड़ा है लाइन में आधा घंटा एक घंटा, ऐसा होता है, कोई वॉचमैन भी नहीं है कोई भी इसमें। ये आपका शुभ नाम क्या है सर? अरुण विश्वास। अरुण विश्वास जी, थैंक यू सो मच। आपको आपको कुछ तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। हमारी ऐसी रिक्वेस्ट है बैंकिंग सेक्टर से कि पहली बात तो ये रूरल बैंकिंग सेक्टर में आ रहा है, जबकि उल्वे नोड जो है उसका डेवलपमेंट हो चुका है, तो इसको अर्बन सेक्टर में करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिल सकें। और ये अभी तक जो है वो, और देखिए जब भी वीकेंड या त्यौहार आते हैं तो लोगों को, क्योंकि कई एटीएम्स जो हैं वो खाली हो जाते हैं, तो एक एटीएम जहां पैसा मिलता है वहां पे आज लेना पड़ता है। जैसे एक्सिस में बताया उन्होंने कि सुबह आए थे तो खाली था, अभी पैसा है। अभी देखिए यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से लाइन से अगर देखेंगे तो चार पांच एटीएम लगे हुए हैं जी। एक एक्सिस का है, महाराष्ट्र बैंक का है, उसके बाद अभ्युदय का है, उसके आगे एसबीआई का है, उसके आगे आईसीआईसीआई का है, लेकिन फिर भी इतनी सारी रश है यहाँ पे जी। क्यों? इसकी वजह से क्या होता है, आम आदमी को ही सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है जी, और सबसे ज़्यादा तकलीफ झेलने वाले वही लोग होते हैं जी जी जी, बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं होता है। बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि जो फेस करता है उसी को प्रॉब्लम होता है। अब आज त्यौहार का दिन है, ये बैंक को पहले से तैयारी करनी चाहिए कि रक्षाबंधन आ रही है तो हमको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि लोग ज़्यादा त्यौहार है, लोग ज़्यादा पैसा निकालेंगे, लोगों को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, और ऐसे मौके पर भी जो है वो बैंकिंग सेक्टर जागरूक नहीं है। तो हमारी सरकार से ये अपील है कि किसी तरह से इसको रेगुलराइज किया जाए और सारे के सारे एटीएम अगर चालू रहेंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इस तरीके से प्रॉब्लम फेस करते रहेंगे तो हर बार वही तकलीफ होती रहेंगी, हर बार वही तकलीफ झेलते रहेंगे जी जी। इसका सोल्यूशन कुछ निकलना चाहिए जी जी जी। आपका शुभ नाम सर? विनोद जगताप। विनोद जगताप जी, थैंक यू सो मच सर। ये देखिए एसबीआई बैंक में भी पैसा नहीं है, ये सर अभी ट्राई किए थे। सर आपने ट्राई किया, आप कुछ कहना चाहते हैं बैंक में है, जबकि वीकेंड है, रक्षाबंधन है, पैसा होना चाहिए। बिल्कुल पैसा होना चाहिए, आज के दिन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइवेट बैंकों में बराबर पैसा मिलता है लेकिन ये सरकारी बैंक में नहीं मिलता है। मैं सेक्टर 17 में रहता हूँ, वहाँ से इसीलिए आया कि एसबीआई में से निकालूंगा क्योंकि मेरा अकाउंट एसबीआई में, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, तो चार्जेस नहीं होते हैं उस अकाउंट होने की वजह से, और मैं दूसरे एटीएम से ड्रॉ करूंगा तो उसमें वो चार्जेस होंगे जी जी सर। उधर ही आईसीआईसीआई का एटीएम भी है, उसमें लाइन लगी हुई है और उसमें कैश हमेशा रहता है, लेकिन एसबीआई में हमेशा इन फेस्टिवल के सीज़न में जब भी लॉन्ग वीकेंड होता है, छुट्टी होती है, तब यही समस्या रहती है। ओके, थैंक यू सर। एक्सिस बैंक में पैसा था, एसबीआई में नहीं है, आईसीआईसी बैंक में पैसा है, लोगों की लाइन लगी हुई है। ये त्यौहार का एंड है, अभी बकरीद जा चुकी है, आज रक्षाबंधन है,
त्यौहार का एंड है, वीकेंड है, बैंकिंग सेक्टर को ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बैंकों में पर्याप्त तरीके से पैसा हो, लोगों को इस तरह से लाइन लगा के बारिश के दिनों में खास करके मैं जो सरकार की बैंक है जैसे SBI है, अभी आपने देखा SBI के लोगों ने कहा कि पैसा, तो ये इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें और ATMs को पैसों से तैयार रखें ताकि लोगों को असुविधा का सामना ना करना पड़े। पैसा नहीं मिलता है? नहीं, कभी भी ऐसे ATM बस ऐसे खोल के रखा है। तो उनका नेटवर्क इतना प्रॉब्लम है, समझ आप प्रोसेस में आपका ट्रांजेक्शन में है, प्रोसेस में और नेटवर्क आउट। अच्छा, पंजाब नेशनल बैंक का। ओके सर, आपका कुछ कहना है? हाँ, उल्वे डेवलपिंग नोड है और इसमें लोग हर हफ्ते बढ़ रहे हैं, बट ATM उस हिसाब से बढ़ने चाहिए और उसमें पैसा भी फ्लो में आना चाहिए। होता है ATM में जैसे उनका ट्रांजेक्शन या फिलिंग का प्रोसेस है, वो एक उन्होंने स्टैंडर्ड बना के रखा होगा, वो फॉलो करते हैं और उसके बाद उसी को फॉलो कर रहे हैं, बट लोग बढ़ रहे तो पैसे नहीं रहते। जनता की प्रॉब्लम, बैंक को सोचना चाहिए। सर, आपको कुछ, आप लोगों को कुछ इस बारे में कहना है, कुछ कहना चाहोगे? तकलीफ जो हो रही है, आप कहाँ पे सिक्योरिटी में हो? मैं सर हूँ चैप्टर 23 में हूँ, प्लेटिनम में। तो ये प्रॉब्लम आप तो आके देखते ही रहोगे। प्रॉब्लम यही है कि बैंक में पैसा भी नहीं रहता, प्लस उसका नेट भी सर्वर भी सब डाउन रहता है, कोई बंद है तो कोई चालू है, सरकार इसको ध्यान नहीं दे रही है, पब्लिक की परेशानी है। ठीक है। यहाँ भी पैसे नहीं है, अभ्युदय बैंक है और ये जो है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र वो भी है। एक्सिस बैंक में पैसा था जैसे हमने आपको पहले दिखाया, देखिए थोड़ी सी भीड़ भी है। दिस न्यूज़ वॉज ब्रॉट टू यू बाय ऑरेंज एंड चिली बिरयानी फुलवे नोट। हैप्पी रक्षाबंधन।